चले जी, तो हम लोग जा रहे हैं, आतिफ आ चुके हैं, बाहर निकलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, संडे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, बिरयानी, अच्छा बिरयानी भी मैंने स्टार्ट कर दी। ये देखें हमारे, आपको पता नहीं अजीब से कैसे टमाटर आ रहे हैं, कहाँ के, ईरान के, तो उसके जो छिलके होते हैं ना वो नहीं गलते, तो फिर टमाटर को स्टीम दे के इसके छिलके निकालें, फिर मैश करके बिरयानी में डालूंगी ताकि बिरयानी में छिलके नज़र नहीं आए। हर चीज़ में जो है ना बिरयानी के छिलके, सॉरी टमाटर के छिलके नज़र आ रहे हैं, समझ ही नहीं आता, खाना अच्छा ही नहीं लगता छिलकों के साथ। ये देखें अभी बच्चों को फ्रेश तो करवा दिया है, ये देखें इस तरह से टमाटर के छिलके निकाल के मैश करके डाला है, तो ये टमाटर आपके नज़र नहीं आएंगे। बस है ना, ये मेरा गोश्त भी बॉयल हुआ हुआ है, फटाफट बिरयानी बन जाएगी। बच्चों को नाश्ता दे रही हूँ, नाश्ते में बच्चे क्या खा रहे हैं, चाय पराठा, तो अभी चाय बनाऊँगी, पराठे बनाऊँगी, फिर वही रूटीन। अच्छा जी, तो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर, बच्चों के कपड़े निकाल लिए हैं मैंने, मैं ना खाना खा के बिरयानी खा के जो है ना सो गई थी, सो कर उठी तो बस तकरीबन 8 बजे का टाइम हो गया। ये मैंने अब्दुल मीस के लिए निकाला है ये ड्रेस, क्योंकि अब जो है ना कपड़े ये अब्दुल हसीब के लिए भी कम दोनों ना, इन बस ये गर्मियाँ जो थोड़ी सी रह गई ना, तो बस ये कपड़े इनके पे ख़त्म कर रही हूँ। अब इंशाल्लाह सर्दियों में इन लोगों के नए कपड़े लूँगे इंशाल्लाह, और अपने लिए मैंने जो है ये वाला ड्रेस निकाला है पहनने के लिए आज। अब देखो एक रेस्टोरेंट है इब्ने बतूता के नाम से है, मैं तो आतिफ को बोल रही हूँ वहाँ चलते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए आतिफ बोल रहे हैं कुछ पता नहीं है वहाँ का खाना कैसा होगा, तो कुछ नहीं पता कहाँ जाते हैं। चले जहाँ भी जाते हैं इंशाल्लाह मैं दिखाऊँगी। ये मेरा ड्रेस है जो कि मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, तो मैं पहन रही हूँ ये और बच्चे पहन रहे हैं ये। अभी थोड़ा सी रूम की हालत सुधारी बच्चों ने, मैं सो गई थी, बच्चों ने पूरे रूम की हालत जो है ना वो बिगाड़ी हुई थी, और दोनों खुद क्या कर रहे हैं ये देखें, ये दोनों बाहर हैं। गाइस ये देखें, बस संडे को क्या रूम बच्चे नहीं साफ रहने देते, ऐसा ही रखते हैं। तो चलें बस जल्दी से तैयार हो जाते हैं, इसके बाद बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चले जी, तो हम लोग जा रहे हैं, आतिफ आ चुके हैं, बाहर निकलते हैं, इंशाल्लाह वीडियो बना सके तो ज़रूर बनाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। मेरा बहुत दिल है हैदरी के जो रेस्टोरेंट है इब्ने बतूता, वहाँ जाने का, पता नहीं वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि आतिफ का अभी मूड नहीं हो रहा, कह रहे पता नहीं वहाँ का खाना कैसा होगा। तो बस, और ये मेरा ड्रेस जो कि मेरा अपना न्यू ड्रेस जो है, बस थोड़े से ही रह गए, तो चले बस फिर चलते हैं, कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही, इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँ। अच्छा यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं सिंदबाद, बच्चों को लेकर वहाँ पे टिकट ले रहे हैं, सीधे खड़े रहो। मैं यहाँ देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है, क्या रश है, यहाँ पर आते पैसे भी नहीं आते रश की वजह से, लेकिन बच्चों को आना था तो हम लोग आए आज यहाँ पे। बस यहाँ का तो अब्दुल हसीब तो नज़र ही नहीं आएगा कि कहाँ है क्या है, बस ये तो पागलों की तरह जो है ना यहाँ से वहाँ भागता ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे जो है ना लास्ट टाइम हम लोग आए थे तकरीबन 2 साल हो गए, 2 साल पहले आए थे हम लोग यहाँ पे, अब 2 साल के बाद आए हैं, जब मैंने और आतिफ ने यहाँ पे वो 4D राइड भी ली थी, जिससे मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा जो है ना झटका आया था, उसके बाद से मैं यहाँ पर आई नहीं हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से झूलों में बैठते हैं क्या, वैसे मैं तो झूलों में नहीं बैठती, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा हम लोग अभी जा रहे हैं इसमें बैठने के लिए, देखें अंदर क्या होता है। आओ चलो, आओ आगे आगे चलो, आगे लाइन में लगने हैं, टिकट लेने गए हैं यहाँ पे। अच्छा इसमें मुझे बहुत दिल था बैठने का, लेकिन बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते इसमें, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। यहीं पर ही बैठ
सकती थी। ये अब्दुल रसीफ का एक्सप्रेशन देखे, इसको पेट में गुदगुदी हो रही थी, तो इसका जो है ना बस ज़बरदस्ती जो है ना हमारे चेहरे पे स्माइल लेके आ रहा था कि हाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन इसको मज़ा नहीं आ रहा था, इसको गुदगुदी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फाइनली फिर हम लोग यहाँ बैठे। अच्छा, ये सिंधबाद की जो है ना यहाँ पे फूड वो है, फूड शिप बनी हुई है। हमने यहाँ पे अभी फ्रेंच फ्राइज लिए, लेकिन अब्दुल रसीम नहीं मान रहा था कि इसको पॉपकॉर्न भी खाने थे, तो ये पॉपकॉर्न लेने गया हुआ। हमने अभी फ्रेंच फ्राइज वगैरह लिए, बहुत ही अच्छे थे। पर यहाँ पे खाना क्या है, फास्ट फूड है, जो कि आसिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब देखें कहीं जाते हैं या मंदी वगैरह खाने के लिए जाएंगे। वो दूसरा रेस्टोरेंट जहाँ मुझे जाना था वहाँ तो नेक्स्ट टाइम के लिए रखा है इंशाल्लाह, आज नहीं जा रहे हैं। ये निकलते निकलते भी जो है ना अब्दुल रसीम नहीं माना, और देखो इसके अंदर बैठा ये। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर आए खाने के लिए, अभी आतिफ यहाँ पे वेटिंग बहुत ज़्यादा है। देखिए आतिफ पूछने के लिए गए कितनी देर के